सेट कर दिया करो ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। माशाअल्लाह अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وعبدا أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله ورب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمدا الوسيله والفضيله مقاما محمودا الذي بعثه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين سامعین کرام فارسی زبان دا ایک لفظ ہے دام ہم رنگ زمین कि शिकारी जानवर फसाने लिए ऐसा जाल बिछाते हैं जिहदा रंग जमीन का रंग होंदा परिंदे नूं फिर नज़र नहीं आउंदा जमीन ही नज़र आउंदी। बिल्कुल इस तरह ही कुछ लोग इस मुहिम च लगे कि दामे हम रंगे जमीन बिछाया जाए और मुसलमानों नूं बेवकूफ बनाया जाए। कोई उठता है कि पुरानियां गल्लां यार की लैणा करबला होई ठीक है यह रिसाला मेरे सामने रात ही बच्चे ने दिता ये अंदर इल्म आ गई जिन्होंने ना गौर व फिक्र कर बुला के बाद मोटी जबान जने साडे ना गुजराती चौधरी ने आख्या मिट्टी पाओ ये मिट्टी पाओ वाला टोला जरा ना हर शहर नूं खत्म करो असा ये कोई लैना बीजीर ने की किया हुसैन ने की
अरे नादान इन्ना भी नहीं सोचते भी कुरान मजीद का बहुत हिस्सा किस्सा में ही भरिया, जेडे मर गए मुग गए इन्हों का ख्याल जरा उन्होंने लिया कि असा लेना आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने दूजे बेटे ने कतल करता, क्यों कुरान ने बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावान ने प्रार्थना किया उद्दे यार किन्ना नबियों की औलाद है इब्राहिम इसहाक और याकूब की उन्हों दी गल्लां सुनाउणियां, कैसा है समझो बेवकूफ बना रहा उम्मत नूं कि तारीख यकीन जानो जरा नादान नहीं पढ़ता बिल्कुल इलम तो कोरा। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके सारी दुनिया की तारीख पढ़िया करो चीज तारीख है दे खुद बेगाना है। काफिर यही आते असातीर लवण कुरान की है पुराने दे लोगों के किस्से नादान है समझ ना सके किस्से नहीं यो तो दस दे कि अल्लाह तआला अपनी इस दुनिया से हुकूमत कर रहा इतने नेक ही पैदा होंगे बद भी पैदा होंगे मगर आखिर अंजाम की होंगे नेकां दी इस दुनिया के लोगों की जबान से रहमत जारी हो जाती है और बुरियां की लानत जारी हो जाती इस दुनिया नकद फैसले होंगे। इस तो कुराने पाक ने कौम नूह तो लैके कौम के किस्से पढ़ लिए वरना कि जरूरी इन्होंने ख्याल नमाज रोजा दस देना। तौबा 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 करबला मेरे बच्चो मेरे भराओ इन्हों तुसीं कोई कहानी ना समझ देना किस्सा कई चीसले चलाउंदे मेरे को आउंदे रहिंदे रहे बयान ना करो। मैं तुहानूं साफ कहिंदा रमज कुरान हुसैन अमफ तुहानूं ना कुरान की समझ आनी है ना सुनत की आनी है ना दीन का कोई पता लगना जब तक तुसीं हुसैन नूं ना पढ़ो। हुसैन कोई आम इंसान है रमज कुरान हुसैन अमफ मैं अखबार आंदा कुरान का पता ही सानू उदो लगा जो हजरत हुसैन नूं पढ़िया दशो आज से वो शोला प्रोफ उन्हें ऐसी अग जलाई जिस तो बेशुमार शोले उम्मत पैदा बहुत तहरीकां बाद उठियां और उन्होंने किको हवाला रहा इमाम हुसैन यार किहड़ा बंदा सी इस तो क्यों बुजदली दिखाउणी मैदान चाह करबला दे किसे नूं कोई किस्सां च किस्सा ना समझू जिहदी खबर देने लिए अल्लाह तआला ने खास फरिश्ता नाज़िल किया और अल्लाह दे रसूल उस गोच लैके रोए तो हज़रत उम्मे सलमा नूं आख्या हुणे मेरे कोल ऐसा फरिश्ता उठ के गया जदों दा ज़मीन आसमान बनिया कभी ज़मीन ते नहीं आया और फिर वे इतला देना तुम इस बच्चे ना प्यार करने शहीद करता जाना। इस तो क्यों इन तुम एवं आम गलों से गल समझ के जहाँ मौलवियों की गलों लगते इन्होंने दिलों चोर है बिल्कुल उस हुकूमत के एजेंट और 1400 साल हो गया भी जी हुकूमत जालम आँगी वे हमायती होंगे उन्होंने को पैसा खाते उन्होंने को जागीर लेंगे और उन्होंने वास्ते फतवे करते आप अगे हो के नेक लोगों मरवाते ऐसा ऐसा सजावं अल्लाह के नेक बंद दवाइया जन दादा कोई ये आलमां दे रूप डाकू लसूस उद्दीन है और ये हुण भी हुकूमतां को बड़ा खांदे पींदे कि मोहम्मद सईद अल्लाह रहमत फरमाए फौत हो गया कतल करता गया उन्हें आख्या जदों मैं फाइलां देखियां ना मेरे दिल च ना मौलवियों का कोई एहतराम नहीं रहा सब पैसा खांदे और इन्हां दर परदा हुकूमतां जिहड़ियां उकसाउंदियां और फितने पैदा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह किसे नूं खराब करना चाहुंदे। इकबाल रहमतुल्लाह नूं पुछो होया की है हज़रत मुआविया तो जरा दौर शुरू है मैं नहीं आना कि रसूला के खिलाफ एक इनकलाब है जो नबी अलैहिस्सलाम दा क्या उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश इस तो जिन्ना मर्जी उसकी सफाई देंदे ना सब जीन की बर्बादी का जिम्मेदार हुआ सब कुछ उस किया और वो नतीजे जी गांह तो गांह तुम जरदारियों तक पहुंचे कोई नेक कदम नहीं उठाया ना हुकूमत के दायरे ना दीन के दायरे दीन का भी अगले जो मैं बयान करूंगा दीन की मिट्टी किस तरह प्रीत की ना नमाज रहन दी ना अदान रहन दी ना हज रहन दी उसका दिफा कर रहे थे और आज सारा मुकदमा हार गया ले सुनत अपनी बेवकूफी ना तुसी पहले तिना खलीफियां का दिफा करो कि वह खिलाफ ते राशदा जमाना अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया खिलाफत बाद ही सलाफ होना सर 30 साल मेरे बाद जो खिलाफत दा नबी दे चरण दी कुमसमा कुम मुल्क नजू फिर जालम बादशाह होनी नबी आंदा जालम बादशाह तुसी सफाइयां देंदे पहले दिन ही हार जांदे भाई मुआविया ना जिवें मर्जी निबड़दे रहो साहबा किराम पहलियां दी गल करो कि हर मैदान च फतह पाउंदे एक झूठा केस लै लिया जिहदे च कामयाब हो सकदे। इस हुकूमत दे बारे मैं एक ऐसे बंदे दा थोड़ा जिहा बयान पढ़ दिया जे तो ज्यादा मुहताद कोई नहीं रख सकता सैयद अबुल हसन नदी तबलीगी जमात की जान एडे साहबा दे अदब करने वाले मगर साले निजाम हुकूमत के क्याम की कोशिशें गलत सूरत हाल की तब्दीली की काविशन की कीमत 378 और 379 है दो चार सत्रह ही तुम्हें समझने काफ़ी है भी क्यामत कि इस्लाम से आ रही हुसैन रजी ने जोड़े बुढ़े होए आ मेहंदी लाद दाड़ी उन्होंने कोई जोश आया कि उठ के खड़े हो गए ना कोई हिमायती ना मददगार दो चार भैन बच्चे है ये एक हुकूमत का मुकाबला करने लिए उठ खड़े हो तो फरमाते भी उसे मुसीबत की आई किस तरह काली रात छा रही थी
खुलाफाए राशिदीन के बाद जो खिलाफत कायम हुई वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौरूसी और खानदानी निजाम पर कायम थी। उतने ना दीन थी ना कोई इस्लाम थी। अरब और मुसलमान जिसके जेरे नगीं थे किसी की हिम्मत ना थी कि खुलाफाए बनी उमैया या खुलाफाए बनी अब्बास से मुकाबला की हिम्मत कर। इस तरह उन्होंने अपनी जड़ा जमा लिया और इन फौजी ताकत में उम्मत बेबस हो गई, कोई मुकाबला नहीं थी कर सकता और कामयाबी की जरा भी तो ना आसी रही कि कोठू का तो कुछ बनना। सिर्फ वो शख्सियतें इस बारे में मुस्तसना थीं जिनकी आली नस्ब रुलवे खानदानी मारूफ मुसलम था। उस मुसलमाना की निगाह सिर्फ हजरत फातमा की औलाद अल गई बेहतर सूला के वारस है हजूर के बच्चे इन्हें जो कोठे जड़ा इस फितने का मुकाबला करे और उनको उसी पैमाने पर मुसलमानों की हिमायत तो दीनी हमीयती को बता सक। ठीक है दुनिया की हुकूमत उन्होंने को नहीं मगर मुसलमानों के दिल अदब से उन्होंने भी हजूर के अपने बच्चे हैं। हकीकत में लोहा ही लोहे से टकरा सकता है और हवा का मुकाबला आंधी ही कर सकती है। माड़े मोटे बंदे ने किया भी होंगे मर जाता किले याद करना मगर 1400 साल हो गया अल्लामा इकबाल फरमाउंदे शौक थे शाम फरे बगदाद रहा। ना शाम की हुकूमत रही ना बासियों का बगदाद रहा। सतब तय करना ताद हम याद रहे स्पेन से मुसलमानों ने इन्ना राज किया वह भी पल पर आ गया ताजाद तकबीर हुई मां हम मगर जरा अल्लाह अकबर कर बलाज किया वह अजय भी ताजाद तकबीर ईम तकबीर ईमां हनूद तारे मादर दखमा शलरना हनूद जड़ी चोट लगाई अजय तक साड़ा साथ बज रहा। मुसलमान कुछ कर सकते ही नहीं कर दिलों के अंदर वो जी मंग और आरजू ना इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए। एक शमा जला दी इसीलिए देखा गया कि उमवी अब्बासी खुराफा के मुकाबला में जिसने जिहाद का आलम बुलंद किया और इस्लाह हाल की आवाज लगाई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा के अफराद गिरामी और अलवी खानदान के गुले सरसब हजूर दे बच्चे उठे दो तीन सदियां तिहादर तेरी दियोला उन्हीं लोगों को इसका हकीकी गम था कि जमीन में फसाद फैल रहा देख रहे साढ़े नाने की जायदाद तबाह हो रही बिगाड़ बढ़ रहा है खिलाफत की रूह खत्म हो गई है। मुसलमानों की दौलत व कुव्वत नफसानी ख्वाहिशात के पूरा करने और ऐशकोशी के असबाब फराहम करने और जाहिलियत की सुन्नतों के हया में सरफ हो रही कुफर दियाँ रस्मां दोबारा ताज़ा कर रहे दीन नूं बर्बाद किया है। थोड़ा जहा पढ़ता इन्ना ही तबसरा काफी है बेकी हजरत मुआविया तो हुकूमत शुरू हुई बिल्कुल दीन दे उल्ट और जो कुछ फिर अपनी हुकूमत की मजबूती ली उन्होंने पुख्ता कर ली किया थोड़े जहा नमूने तुहाड़े सामने इस जमे पेश कर दी ना कोई दीन का लिहाज ना कोई कुरान का अपनी मुल्की मसलत है हुकूमत का उल्लू सीधा हों बस वो चीज जिन्हें एक जी किताब उठाओ तुम साहबा किराम से साहबा सुरगात बार सियाब है हुजर बिन अली रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े साहबी से इमाम हुसैन का वाक्य बहुत बाद पेश आया जिन्होंने पहला हक वास्ते जान दी। हजरत अली के बड़े मुहिबां चो सी राहिब साहब मुहम्मद कहा जाता सी हजूर दे जिहड़े ना साथी उन्होंने दुनिया को तर्क करने वाले दरवेश आदि देखा कि जो ज़ियाद नूं खली हुक्मरान बनाता मेरे मावी जुमे की नमाज इन्नी लेट असर का वक्त ही जाता तो यह हजरत हुजर ने और साथियों ने कहा बे ज़ियाद हजूर तो बाद ना कोई नबी आया ना कोई नवी किताब उतरी किन्ने वक्त बदले नमाजा दे नमाज से वक्त सिर पढ़नी चाहिए तो उस पर झूठा मुकदमा बना के मेरे से दौरान खुतबा इन्होंने हमला कर दिता 13 बंदे बेड़ियां ला के शाम में रवाना कर बिल्कुल झूठा के उन्होंने बेचारा ने हजरत मुआविया के तरले किए बे असी तेरी बैत से कहम है जो हसन ने वादा कर लिया इस तो फिरे नहीं सिर्फ आ इतराज किया तो उत्ते सर से केस बना लिया मगर हजरत मुआविया ने कोई गल नहीं सुनी और वह इलाका जरा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जाना जिन फिलम माशरफ आला मर्द अदरा काल इन्नी लावर उल मुसलमीन कब्र अफी नवाई जब उत्थे बेचारा ने ऊंट से जकड़िया लगाए तो आपने फरमाया हजरत ने बे वो इलाका जिते सब तो पहला अल्लाह अकबर का मैं नारा मारिया इस्लाम मैं इतने जिहाद लिया आया उत्थे बेचारे उतारते गए कुछ जी सिफारिश करती रिश्तेदारा ने उन्होंने छड़ दिता सत बेचारे जड़े से काबू आ गए जदों फिर उन्होंने कतल कर वास्ते लै गए उस मैदान के अंदर कबर खोदती कफन वछाते गए उस वे हजरत हुजर बुढ़े हुए एक जल्लाद जड़े से उन्होंने कहा सिर्फ एक जुमले तेरी जान बच सकती है कि तू हजरत तेरी से लानत कर दे हुने रहा आ जाएंगे उन्हें आख्या उम्र गुजरी उदा मोहब्बत कर दें और अल्लाह के रसूल को असी सुनया भी जे मेरे ना मोहब्बत कर रही जो करो
मैं जान बचाने लिए सिर्फ कफन विषय देख के अल्लाह नूं कह रहा तुसीं जो करना कर दे। और उस नाल फरमाया अपने खानदान के लोगों ला तन अन्न हदीदन मेरे तो यह बेड़िया ना लाया जो मैं शहीद हो जा वला तक सिलवानी मन्ना मेरा खून ही धोयो फैनी लाखन मावी आल जादा मैं पुलिस रात पे देना इसे तरह मुलाकात करूंगा उत्थे मेरी जी मुलाकात होगी तो उत्थे फैसला होगा कि किहड़े जुर्म हुज़र नूं कतल किया। और जब पूछा भी तू कोई खास रखना और सुहेला मुहम्मद बिन सीरीन कतैन इंद कतल इमाम मुहम्मद बिन सीरीन नूं पूछा गया भी जिस आदमी नूं सजाए मौत होनी वे कतल का वक्त आए तो दो रखता जरा पड़े कोई नेकी है बकाला सल्ला हमा खुबैब व हुज़र व हमा फाजला उन्हें आख्या दो उम्मत के चोटी के बंदे जड़े उन्होंने मौत के वक्त दो रकतां पढ़िया इस तो बिल्कुल नेक तरीका खुबैब न मक्के काफरां कतल किया उसे तो हुज़र नूं जदों कतल कर लगे उन्हें आख्या मैनू भी दो रकतां पढ़ लैन दिओ ताकि दुनिया तो जाने मैं खुदा नूं सजदा करके मरा वकान हसन बसरी योजम कतला हुज़र व साहबी और हज़रत इमाम हसन बसरी यो ही कहते रहते वैर उल्लहू मिन हुज़र व साहबी कि हुज़र और साथियों जरा बेगुना ने मुआविया ने मारिया ये पारों ये वास्ते हम तबाही है ना किस तरह इन्हें खुदा को जान फिलानी वलम्मा बलागर रबी बिन ज़ियाद अल हारसी वकाना आमिल अल मुआविया अला खुरासान ए नमूना पढ़ रहे हैं बे हुसैन रज़ी अल्लाह इन्ने बेसबर क्यों हो गए कि 20 साल दौर के अंदर की कुछ हुंदा रहा जिन्हों वेखते रहे और कोलियां ते लेटते रहे भी हज़रत हसन के मुआविया तो आने सा सलूक किया। और खबर जदों रबी नूं पहुंची और अमीर मुआविया दे गवर्नर सी खुरासान दर लाजा उजला जुम्मे की नमाज उन्होंने पढ़ाई रबी ने ते दुआ मंगी कि लोगो दुआ करो अल्लाह मैन कान रबी इंदा खैर फक बिज़लाक वाजल मेरे लिए तेरे को कुछ नेकी लिखी है ना रबी ली ते जल्दी कर तो मेरी जान कबज कर ला हुणे दुनिया रहन दे काबिल नहीं रही। गवर्नर अमीर मुआविया दा अगर उन फ्री जुलम से आख्या बैठ भी देर लगनी फलम यबरा मजलिस अता माता पर मैं अपनी जगह तो भी नहीं उठा दुआ इन्नी जल्दी कबूल हो उत्थे अरबी इब्ने ज़ियाद भी जड़े सी बहुत हो गए ऐ हुज़र बिन अली दा कतल यह भी हर किताब तो तुसी पढ़ना देख बेगुनाह साहबी रसूल इस जुर्म मारता क्या भी इन्हें नमाज का क्यों आख्या वक्त जड़ा हो और बाद जो अशर होया इस तो बुरा जिस तरह पटरी गाड़ी बदल जाती पता नेक आदमी उसे भी लग जाता भी उन्हें फासला वधदा ही जाना। वलीद दा जमाना आया चंद साल बाद इस तरह जुमा असर का वक्त गुजरिया उस वे किताबी ने उठ के आख्या कोई नवी शरीयत नहीं उतरी ना कोई दीन नवा उतरिया नमाज से वक्त सिर होनी चाहिए और मेरे भराओ किसी ने मूँह ना जवाब भी नहीं देना चाहिए भी तू ठीक आख्या जानी महल च लै गया सिपाही सिर कटिया और मस्जिद लिया के सिर दिता भी बोलो जन बोलो दादे इकबाल आते हुर्रियत रा ज़हर अंदर काम रे तुम इस काली रात में समझते भी कि आजादी के गले च कतरे जहर के टपकाते बोलन नहीं देना यह जुलम और समद तशद्दुद की रात थी जिते फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे साथी जेड़े पूरी सल्तनत फैले कि मरे मुके च नहीं वह भी आते को तेरे भरा ने जो मादा कर लेना वो नीयत वो ना थी अल्लाह उन्होंने अजर दे एक की कुछ हो रहा हूँ बैठे रहने का कोई जवाब है उत्ते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु झुकया समझ तारीख का बहुत बड़ा फराड है हर मजलिस मक्कारी होंगी है बे यज़ीद तो गल शुरू होंगी बे यज़ीद नूं खलीफा बनाता तो इमाम हुसैन बेसबरे हो गए फिर कहते नहीं दो शहजादे की जंग है वो समझ मैनू हुकूमत मिली जे मियाँ किस्सा है नहीं 20 साल जो इस्लाम की मिट्टी पलीत हुई सी उन्हें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बेसबर कर दिता इस्लाम जरा यह हशर करना शुरू करता तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते कादिम अल मुसैब इब्ने नजबत अल फज़ारी शिद्दत माउल अल हुसैन बादा फातिर हसन कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो फौत हो गए 175 सफा 8वीं जिल्द अलबिदायत तो मुसैब बिन नजबा अपने कुछ साथियों के नाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये मुसैब बिन नजबा उन्होंने लोगों चो जिन्होंने असं मुखदरे माने कि वह सहाबी नहीं बन सके रसूला नाल मुलाकात नहीं की वैसे करनी तरह मगर आप दे जमाने दे उदा ही मुसलमान से उस वे इस्लाम लिया पर दाओ होला खले मुआविया वकार और आके आख्या कि हुसैन ये मुआविया की जी ना बैत इनू खत्म कर तो ये मुकाबले च उठना चाहिए कद अलमना राजा का व राजा खी का तेरी राय भी असं जानने तेरे भरा की भी जानने कि वह सुरा चाहता सी तू जंग चाहता सी फकाल इन्नी लड़ी हो तो अल्लाह आखी अरा नीयत ही थी हुब्बिल कफ तो इमाम हुसैन रज़ी ने फरमाया मेरा भाई अगर जंग तो बचना चाहता सी ये अल्लाह तला उन्होंने जजा देगा बाकी ये भी नीयत कोई बुरी नहीं वाई यो जय नेरा नीयत ही थी हुब्बी जहाद जालमीन तो मैं जरा इन्होंने जालमाना जहाद करने की नीयत रखना कोई यजीद नहीं शो आया
एदा गजर अल्लाह मैं दूंगा। वह काता बा मरवान इला मुआविया इन्नी लस्त आम मनवाई कूना हुसैन मरसद अल फितर। तो मरवान गवर्नर सी मदीने का उन्हें अमीरे मुआविया ने खत लिखा भी मालूम होंदा कोई गड़बड़ पैन वाली है, इमाम हुसैन लोग तैयार कर दे। वाजुन यौमा कुमिन हुसैन तवीला, तो अगर ये हुसैन उठ खड़ा आया तो मैंने फिर उन्होंने साहब ये काम बहुत वध देना। पक्का था बा मुआविया तो हुसैन ए बहुत पहला था पढ़ो। तो मुआविया ने फिर हजरत हुसैन लिखा इन्ना मना तला ताकत यमीन ही वाहदा उल जदीर बिलफा, कि जरा मुआदा कर लवे और इकरार कर ले चाहिए कि उन्होंने पूरा करे। वक्का तुम बे तो अन्ना कौम मैं हल कूफा से कर दौ कर शिकाक, मैनू पता लगा कि कूफे के कुछ लोग तेन भड़का वाहल राक मन कर जरबता और राकी वो आ जिन्होंने तू जानना मैं तेरे बाप ने इन्होंने की कीती सी और हसनना की कद अफसद वाला बीका वाखीका, तेरे बाप और तेरे भाई ना खराबी फत्ता कि लावाज कर मिसाक, अल्लाह तो डरी तो उस मादे नु याद रखी फैनना का मता तो कितने अकेद का, अगर तू कोई मेरे खिलाफ साजिश करेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा। पक्का था बैल हुसैन ए करबला समझ आए हो ये खाती काफी है। इमाम हुसैन ने उसे लिखा मेरे माम ने अता नहीं किताब तेरा खत मैनू आया वाहना बगैर अल्लाह की बला कानी जरिए, तो मेरे बारे जो इतना तेन लोगों ने दिखाई ना मैं कोई फितना खड़ा करना चाहना ऐसा नहीं कोई भी वला सनाद ला यहदी ला इल्लल्ला और नेकी की तौफीक कर ला जिन्ना वमा अरतुल का मुहारबतन वला अलैका खिलाफन, मैं तेरे ना ना जंग करना चाहना ना तेरे खिलाफ कूटना चाहना मगर वमा उज़ुन अली इल्लल्ला उज़ुन फी तरके जिहाद, जेड़ा मैं तेरे ना जिहाद नहीं ना कर रहा इहदे बारे च मैनू कोई उज़र नहीं समझ आउंदा, मैं खुदा की बारगाह पेश की करना यजीद की गल नहीं मुआविया की कि तेरे खिलाफ जरा मैं खामोश हाँ इरादा मेरा कोई नहीं मगर उधर कोई नहीं समझ आती तेरे खिलाफ जिहाद मैं क्यों नहीं करना। वमा आलम फितना तनाद में विलायत का अमर हाजिर लम्मा, तो जरा तू क्या इस उम्मत को फितना ना पैदा करी, मैंने इस तो बड़ा कोई फितना नहीं नजर आता, मैं तेरे जैसा आदमी इस उम्मत का सरबरा बन गया, फितना तो पैदा हो चुका, तेरे जैसे बंदे काबल सी कि इस उम्मत की सरबराई कर, इस तो बड़ा फितना कोई नहीं, तेरे खिलाफ जिहाद की मैनू कोई चीज नहीं, सिर्फ यह है मैं हूं नहीं कर रहा अल्लाह के हजूर दिली मैनू कोई उजर नहीं नजर आता। एक थे हजरत हुजर बिन अली का कतल उन्होंने जुर्मा जज ने असन बदली आते भी चार काम इन्हें ऐसे किए भी होर ना भी किए यह जी बर्बादी भी काफी यहोजे बेगुना आदमी कतल करना भी अली जलानत नहीं कर। और दूसरा एक अमल ऐसा किया जिससे शायरों ने शेर कह किताबा लिखे गए भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला खुरासान के गवर्नर से ज़ियाद उसका चंगा पड़ा बाप से उबैद ज़ियाद बिन उबैद सकी ए जरा को मां ने जनाह किया बिल्कुल झूठा ना वो मां ने अबू सुफयान वेख्या ना कोई जनाह से झूठा है कि इन्होंने कहानी करी। अमीरे मुआविया ने आखो एडा वड्डा बंदा दलेर बड़ा से हरमन वह सामने चिड़ी नहीं सी फट गई हजरत हसन के हुकूमत छड़न तो बाद ही वो नहीं चुकया उन्हें अपने आप में कले च बंद कर लिया अंगा हसन छट गया मजबूरी तो ठीक है मैं नहीं इस मुआविया ने मानना। बड़े खत लिखे सख्त गल्लां लिखिया मगर होर पक्का होंदा गया आखिर से फिर इन्होंने हजरत मुगीरा बिन शोभा तो कम लिया तेरा वो क्लर्क रहा तू जाए गए इन्होंने फिर आख्या यार ज़ियाद सुन वक्त गया बदल जमीनी हकायक नु समझना चाहिए हसन नहीं रहा अली मर गया हूं तू की रहना चुप करके मुआविया के नाल रज जा ते रिश्वत यह दी भी तू उबैद का बेटा अखवाना गुलाम का तेरा बाप बदल देना तू अबू सुफयान का बेटा बन जा। मन गया लैन का दरबार मुनकद होया बंदे सद लै गवाइया दियो कि अबू सुफयान ने जी मां ने जनाह किया तुझे अंदाजा करो बैठे जे मेरे बाप को यह कभी कोई जुर्म होया मैं वह इश्तहार देना कि दुनिया में कट्ठिया करा सुनाव ए सियासी मसले की बे ज़ियाद ना रल जाए ना बाद चेने जी औलाद ने जो हजरत अली की औलाद ना किया भी थोड़े सामने करबला सारी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दे करिश्मा परवाह होने का ऐलान किया। और गवाही देंदा जो कई बंद ने बिल्कुल नंगिया गल्ला कही ने वैसे मनी दे कतले गिरदा भी वेखे जो अबू सुफयान नाल जमा करके फिर ज़ियाद शर्मसार हो गया कह लगा यार गवाही देने आए थे कि गालां देने आए उन्हें आख्या जो सुनना चाहते हो तुम सुना उसते फिर शायरों ने शेर कह इमाम शौकानी रहमत ने लिखा ये फिर फटते फिर उन्होंने शायरों उन्हें आख्या जो किया उ नजम करना तो उसे क्या राबले मुआविया तबन हरबन सोचते रहो तो मुसलमानों के सिर से कि हुकूमत आई तुम रोंद जो मीमू आ गया खत लिखा बुलाना ये तो राई भी नहीं मुकाबले जो उसे चंद चढ़ाए इन्होंने बेगुनाह साहबा कतल करना और जनाह दियां गवाहियां लैके भरा करार देना अरा अबलग मुआविया तबना हरबिन
मुगालक बालातम ने राजोले यमानी वाला मेरे यमनी जी तरफों मुआविया ने सुने पहुंचा दो आंता तक दबो आतक दबो अयुकारा अबू का फुन देखो ये आंदा तेरा बाप अबू सिवान शरीफ आदमी कि तू नाराज होना तरदा अयुकारा अबू का दान ते गवाही को आके देना ना तेरा प्यो जना करता सी तू खुश होना एहो जे पुत भी जमने सी खलीफे मुसलमान के बनने उत्ते फिर साहबा किराम लोगों ने पूछा एक तारीख नहीं हदीसा पढ़ते शेख गल करे साहबा किराम की जबानी हदीसिया किताबा नहीं सही मुस्लिम है मेरे सामने किताब बड़ी मान है लोगों ने हजरत साहब बिन अबी वकास ने पूछा खुद इस जियाद का भाई से हजरत बकरा बहुत हदीसा दे रावी उन्होंने पूछा बे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने नबी उस्मान कर लमद या जियाद लकी तो अबा बकरा ज़ियाद नूं जदों भरा बनाया गया तो अबू उस्मान आंदा मैं हज़रत अबू बकरा नूं मिलिया और माँ सके सी ज़ियाद दे कुल तो लोग माँ हज़रत सलात तो मैं क्या बे की कीता तुसी मैं बाप बदल दिता और गवाहियां लैके उबैदी बिन अबू सुफयान दा पुत बन गया इन्नी समय तो साद अपना अबी वक्का से यकूल सामे उज़नाया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन दाबन फिर इस्लाम गैरा बी यार मनो गैरा बी फिर जन्नत अल अहराम ते नाल इस रावी ने सुनाया अबू बकरा मैं ते हज़रत साद बिन अबी वक्का को सुनिया जो आंदे मेरे कन्ना ने रसूल करीम अलैहि सलाम को सुनिया सी भाई जरा अपना बाप इस्लाम से बदले ना जानता हो मेरा बाप नहीं उन्हों बाप बना लै अपने छड़ के उत्ते जन्नत हराम है पकाल अबू बकरा वाना समेत तू मेरे रसूल अल्लाह सल्लम तो हजरत अबू बकरा ने कहा मैं भी खुद रसूला को सुनया बाकी हजूर का फरमान सी मगर की करिए इतने हजूर के फरमानों को सुन ला ए तुम नबी शरे मुस्लिम फतल मुलम सारे पढ़ लेने ऐसिया गवाहियां लैके और इसे इमाम बैसाख सभी ने किया भाई जिस दिन हसन कतल होया और जिस दिन ज़ियाद नूं भरा बनाया गया उस दिन अरब जरीर हो गए मुसलमानों के पले कुछ ना रहा जनाह के भरा भरा बना हालांकि अबू सुफयान आप भी जिंदा आंदा रहा मैं जनाह किया तो रसूला फरमा गया अल वला दुल फराश जेदे बिस्तरे से कोई जमया बेटा वह बनना उन्हें वल आहिर हजर जानी पत्थर ही नसीब होने बेटा नहीं उन्हें बनना इस तरह के हलाल हराम की तमीज ही मिट जाए हलाल चो जमया बेटा खुआना जनाहदा नहीं होना वो बिल्कुल खिलाफ अलानिया शरीयत तोड़ के इन ज़ियाद नूं भरा बना लिया और ज़ियाद ने फिर जो कुछ इस्लाम ने किया नमाजा बेवक पढ़िया और लोगों नूं कतल किया अंदाजा कोई ना रह गया दूसरा जुर्म है इस्तिलहा के ज़ियाद हुज़ूर दा कतल और दूसरा ज़ियाद नूं अपना भरा बनाना शरीयत के खिलाफ कि हराम की गवाही लैके कि मेरे बाप ने जनाह किया हालांकि अबू बकरा रज़ी ने जरा नेक साहबी से भरा वह ज़ियाद ने कसम खाती कि मैं जब तक जिंदा मैं इस ज़ियाद ना कलाम नहीं करा और नाल उन्हें कहा मैं अल्लाह नूं गवाह करके आना मेरी माँ सुमैया ने अबू सुफयान का कभी मुँह नहीं देखा मगर इस हराम दादे ने हुकूमत की खातर माँ नूं बदनाम किया मेरा इतना कोई कलाम नहीं और बाद उन्होंने सुनिया मैं अमीर मुआविया ने रिश्वत के तौर से ज़ियाद ने एक साल अमीर हज बना दिया कि जा इस साल तू हज का खुतबा दे मैदान अरफात जा तो हजरत अबू बकरा नूं पता लगा उन कसम खा चुके सी वेना कलाम नहीं करना मगर इन्हू समझाने लिए फिर ये घर गए और बच्चे मुखातब करके आखिया बेटा मैं सुनया मैं तेरा बाप हज से जा रहा अगर वह मदीने गया और रसूला की बीवी ने हजरत मुआविया की भैन उम्मे हबीबा ने तो पर्दा ना किया तो रसूला की इज्जत बर्बाद हुई ये भरा कोई नहीं और अगर इस तो पर्दा किया तो यह नक कटिया गया तो भरा बन के तू की खटिया जो हजरत उम्मे हबीबा तस्लीम नहीं की इन इन्नी गल जी नकल आ गई इन्हें फिर इरादा बदल दिता हज से नहीं गया यह सियासत वेख लो कि दीन नहीं हुकूमत की खातर जो जायज नजायज काम ना करी गया इस याद ना और बाकी जो शरीयत ने किया इंशाअल्लाह अगे पढ़ना और फिर जब इन्होंने जुलम और ज्यादती की अखीर की कूफा आया बसरे आया बेशुमार लोगों ने कतल किया अल फतल बारी जिन तबरानी फिर कबीर में वजन आखिर हसन कार लम कादम रहना उबैदुल्ला इबन ज़ियाद अमीर नमर और रहना मुआविया ये ज़ियाद तो फिर मर गया इस तो बाद बेटे उबैदुल्ला बना दिता जिन्हें करबला का सारा सानाज किया साढ़े ते अमीर मुआविया ने उन्होंने भेज दिया गुलाम अन सफीन बेवकूफ लड़का यसे कुछ दिमाग सफकन सीधा खून इस तरह बावे जाए पानी होंदा अनगिनत लोग कतर वफीन अब्दुल्ला बिन मुगफल अल मुज़नी साबी है रसूल सी पता खा लाता यमन एक दिन इस उबैदुल्ला को गैफ कार तसना उबैदुल्ला इन्होंने कामों तो बाद आता जो मैं तेन कर दिया देखता फकार मान तब जाता काम कर तेरा इन्होंने गलों में की दखल है नेक साबी की गल नहीं मनी कारा सुमा खरा दल मस्जिद फिर वह मस्जिद लाए साबी कुल ना लो माँ कुंता तसनाओ कलाम हादस यारा रूस नाथ
असा उन्होंने आख्या कहने बेवकूफ लोगों के सामने तुम उस बंद क्यों कराम किया भी नुकसान पहुंचा पकारा इनू काना इन दी इलम तो सहाबी ने कहा यार मेरे को अल्लाह के रसूल का इलम से अहबब तो अल्लाह मुह कूला बेला रूस नाथ मैं चाहा कि मरण तो पहला इन्होंने लोगों के सामने सुना देवान वह हदीसे पाक सुनाई कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने फरमाया जिन्हों अल्लाह तला हुकूमत दे कुछ रईयत तो सपुरद करे और उन्होंने वो खैर खाई ना करे तो अल्लाह तला ने उत्ते जन्नत हराम कर ली ए उन्होंने सुना के बे हुकूमत दे आ लक्षण है बेगुनाह लोगों को कदर कर जो सुम काम फमा अल्लाह के साम मरेदा मरादा अल्लाह दी तुफे अफीर थोड़े दिन ही होए तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुफल बीमार हो गए और उसे बीमारी पाता अबैदुल्ला बिन ज़ियाद यूदू अबैदुल्ला बिन ज़ियाद फिर खबर ली आया तो उसे भी उन्हें आख्या मैं हदीसे रसूल तेन सुना देना मा मिन वालिन यली रईयतन मिन अल-मुस्लिमीन फयमूत व गासलम सब हुक्मरानों ने सुना ए चले चाहते करबला का बयान मिल रहा करबला की रोशनी का मीनार है बिल्कुल सानू आवाज देता बे बगैर चेर बुजली की जिंदगी कोई शायद बुजुर्ग फलसवाए कतल शाह दीनी नस के मर गए सुरख ब्याज जिंदगी है नंगी नस बेगैरती की जिंदगी ना सुरख मौत जड़ी ना यह हजार दर्जा बेहतर इन्ना ही सारा करबला का राज इन्हों की मौत है हुक्मराना की इस चाहते भी नहीं किसा मिटा मिटा मिट्टी पाओ करना चल फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाया कि जरा आदमी किसी रईयत का हाकम बने भाई मूत वाह गाशुरन तो उसकी मौत इस हाल च आवे कि उन्होंने अच्छा सलूक ना कर लावे इला हराम अल्लाह जन्नत अल्लाह ने उत्ते जन्नत हराम की यह हूँ सही मुस्लिम शरीफ चो पढ़ना यह बुखारी शरीफ साहबी गया और साखिया तो इज्जत पढ़े दीवाने अजमते साहबा दो अजमते साहबा बर्बाद किने की कि साहबा कराम की इज्जत करने की बजाय उन्होंने वह बुरे कलमें याद करना जो अंदाजा नहीं हदसन अल हसन अन्ना आयत बिन अमर वकाना मिन असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन बसरी फरमाउंदे किताब उल इमारा सही मुस्लिम दाखल आला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो आयत बिन अमर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गए फकारा है बुनैया इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल क्या पुत्र मैं अल्लाह के रसूल को सुनया हजूर फरमाउंदे सी इन्ना शर रियाल हुतमा ते बुरे हाकम वो जड़े रईयत नूं कुचल इन्हां नाल सख्ती करन ज़ुल्म ज़्यादती करन बदतरीन हाकम है पैया कंत खूना मिनम ते तू बच के रह कि तू भी उन्होंने चुना हो फकार अल हुजरस कहगा बह जा आराम ना फैन ना मन तम नुखालत साहब मोहम्मद तुम ही रसूल्ला के साहब जरा जिम्मे छान रह जाता ना फोग तू उन्होंने तो एक फोग आ आराम ना फकार अब हल कंत लम नुखाला तो हजरत आयद ने किया उन्होंने फोग कितने उन्होंने कोई छान नहीं सी इन नमा कान ते नुखाला बाद आऊंगा फी गैर ये छान बाद ही आया ते दूसरे की पैदा होया साहबे रसूल कोई नहीं ए साहबा कराम की कदर सी इस हजरत मुआविया के गवर्नर देने लिए बजाय मनन दे क्या बह जा आराम ना तुम ही साहबे मोहम्मद का फोग और हजरत माकल बन ये सार अपनी बीमारी उसे जो बैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दूसरी रवायत लिखी खबर लिया तो उन्हें क्या रसूला की हदीस सुना दे क्या लौ अलम तो अन्ना ली हयात अम्मा हदस्तो का जे मैं समझदा ना कि मेरी कोई जिंदगी बाकी है तो मैं तेन हदीस नहीं सुनी घर तो जो शुरू किया कि अगर सुन तो बाद तू मेरे जुर्म जाती करे मेरा की बनू बुढ़ा आदमी मगर हूँ मैं चूंकि समझदा मेरा वक्त आखिरी आया मरण तो ही है तद मैं हदीसे पाक सुना रहा तो रबैदुल्ला ने कहा तू पहला क्यों नहीं सुनाई उन्हें आख्या हूँ भी मैंने जो जीन की आस हुई होंगी तो मैं ना सुना तू की तुम सुनाने और इस तो ही हजरत अबू हुरैरा की पहली जिल्द की फतल बारी जी वेखनी कि उन्हें आख्या मैं रसूला तो दो किस्म का इलम सीखिया एक आम फैलाता दूसरा जोड़ा अगर मैं फैलावा लगो तो हाजर बलो मेरी आशा रख कटती है अठवंजा च फौत हो दो साल अजे करबला रेंदे हजरत मुआविया जमाना से उदो रसूला की हदीसा सुना इन्ना मुश्किल हो गया से बेशा रख कटी है उत्थे नजर अंदर आते सूफी अपना लोग चलते हैं नहीं वो रात दलां सी दरवेशी दलां दरवेशी दरवेशी कोई नहीं सी फिर इन्हों जालमों के नाम अल्लाह के रसूल ने सन दसे इन्हों के नाम लाए सी और हुकूमत के बारे जड़िया दीन दी हिदायत वह उन्होंने को इलम से उन्हें आख्या नमाज रोजा हूँ आम बयान हो सकता ये हुकूमत के बारे गलां इतने पाबंदी लगी है कि नहीं ये सियासी बातें दखल नहीं दे सके पर मैं जे मैं वह हजूर दिया हदीसा सुनावा ए करबला समझ ली वेखो किस तरह उनका गला घुटिया रसूला के हदीसा बयान करना भी जुर्म बन गया और आखिर तो हम थोड़े सामने एक नमूना पढ़ना अगला हिस्सा जरा कि दीन नाल शुरू के हुकूमत के मामले वह इंशाला आऊगा उस तो फिर तुम देखो कि अगर मैं इन बयान ना करा तो मैं खायन होऊंगा
अल्लाह के दरबार में मुजरम हाँ, सियान दरबार ज्ञानती जिहड़ा दा जुर्म मेरे जिम्मे लग जाना, भी दीन का कैपरी तुम गुम कर दिता, इन्हों की मर्जी है, वरना कुरान हदीस और फिका के दफ्तर पढ़े है। यह बहसा हजरत मुआविया के दौर शुरू हुए, सलात खलफुल फासिक के बदकार के पिछे नमाज हो सकती नहीं, पहला कोई नहीं, पहला नेक लोग ही नमाजा पढ़ाते, यह भी कैपर इतों खुला उलमा नूं फैसला करना पै, हाकम तो बदकार ही है, जमात छड़ दी है, यह भी बाब आया, जवाइज़ सलातीन आया, मैं निशान दे दूंगा अच्छे बच्चे उठा के किताबों जो इकट्ठा कर रहे कि जालिम हाकम हो तो वजीफा देवे कोई, और लैलना जायज, पता कि जालिम है और खजाने आमदनी नजायज है, मगर वो दिता किसी आलम या किसी आम आदमी कोई वजीफा, यह जवाइज़ सलातीन रखा, यह भी जायज है कि नहीं, उस भी हजरत मुआविया का ही हवाला होना। और इस तरह ही है कि जिहाद जरा हाकिम बुरा फासिक फादर है, मगर इस्लाम की खातर जिहाद करता, दूसरे मुल्कों की चढ़ाई करता, तो फासिक अमीर की क्या जिहाद हो सकता? इस तरीके ज़कात उसके बैतुल माल में दिखी जा सकती? ये सारे चैप्टर जो हदीस और फिका के अंदर हैं, ये हजरत मुआविया के दौर से फुले हैं, क्योंकि सारी उम्मत ने वेख लिया बे दौर रसूलों की तरीके की हुकूमत नहीं, ना इस्लामी जमाना। हजरत हसन के बारे बहुत प्रापगंडा कर रहे, उन्हें जी हुकूमत छड़ दी थी, खुतबा तुम सुन चुके भी हुकूमत ना छड़ दे, हजरत हुसैन के इकदाम का जवाब ना बनता, जिमें फोड़ा पकन देता फिर निश्तर लाइए वही ठीक होंगे, कच्चे नहीं छेड़ना चाहिए, अगर हजरत हसन विचों ना हटते और इन्हें हुकूमत ना देंदे तो अज तक नहीं सी गल जानी भी हजरत उस्मान के कातल यार हजरत अली के नाल सी, उन्हें बदला ना लिया, इस तो मुआविया भी सच्चा से उसके चाचे का पुत्र से वह करता विचों हट गया, बैला हूँ हुकूमत संभाल ली है, पता कर ला कातलों ने, किसी कातलों ने ना पूछा, किसी को किसास ना लिया, कोई ना ढोंग जरा रचाया से उत्ते अमल किया, और काम आ शुरू कर दिते, जिद ना पूरी उम्मत के सामने आ गया, बे रौला निरा तखरदा नहीं सी इस गल का, सी दीन की हर शायद मिट्टी पलीद है, इस तो हूँ ये खिलाफ जिहाद नहीं करना, तद की तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने दस्से हुकूमत तो दस्तबरदार हो गए। अरे मुआविया कूफा आया, उत्थे जिहड़े इन्हां दे गवर्नर सी वह भी बैठे सी मुगीरा बिन शोभा, तो रसूल करीम अलैहि सलातु वसलाम दे साथी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दे बंदे कले कले नूं खड़ा करन और वह उन्हां ते लानत करे, तौबा तख्तां ते बैठे हसन हुकूमत भी छड़ चुका, वारी वारी बंदे खड़े होंदे और लानत करदे, उस वे हजरत उमर रज़ी अल्लाह दे बैनोई है वह भी दस जन सी साहबां चों, इमाम अबू मजबूर है, लोग ये सुनिया का कसूर ही समझना चाहिए, इमाम बुखारी जे करता तो जदों यह साबियां की वारी उसे फलां लिख देंगे कि फलां सी, यह इमाम अहमद बिन हंबल की मेहरबानी है, वो फिर नाम दस देता बे फलां नहीं सी फलां सी, लम्मा कदमा फलां नूं कूफा अकामा फलां नूं खती खतीब, कि जदों फलाना जरा सी कूफे आया तो फलाने ने खतीब खड़ा किया, उस वे मिराद पढ़ के सईद बिन ज़ैद ने आख्या जो लानत कर ये हूँ अगे सुनी आलम शरा कर दें काला फी फतल बला कद आसना बूदा उद फिल किनाया एंड इसने मुआविया व मुगीरा बे फलां सच न रहमा फी मिसले हाजर महल ले कौन है हम साहबी, आंदा बूदा उद ने बहुत अच्छा यार किया, ना नहीं लै हजरत मुआविया का नाम ही ना लिया, मुगीरा का नाम लिया, फलां कहता सच न रहमा उन्हों का पर्द परदे रखते होंगे, कदों तो इन्होंने फाइलां लुकाइया जिड़िया हाई सुप्रीम कोर्ट भी साढ़े आ रही लोगों के यार की चलते रहे, ए उलमा का हार दी बे फलां कह दो गल न छुपा लो, मगर शुक्र है कुछ नेक उठते रहे जिन्होंने खोल दिता, क्या क्यों फी मिसले हाजर जगह ही यार ऐसी थी लिकाने मां सहाबी एन ए रसूला के सहाबी से की ना रहना सी, सहाबीयत एक बुत बन गया, बिल्कुल दीन के अंदर ना किसी सहाबी ने मुकाम हासिल है कि वह गलत काम करे तो उन्होंने गलत ना कहो, यह दीन की जड़ कट्टन वाली गल, अल्लाह के रसूल ने एक मौका से फरमाया बे दीन बर्बाद ही उमदा चिता तो बे माड़े बंदे काम किया तो बह जाओ अदालत ला के, किसी व्डे ने किया तो परदा पा दो, जिस तरह मौलियों के बारे जाने दूजिया मुंडिया ने बदफेली की मौली ने आख्या हाल जरा खड़ा करके रोटियां ना उन्होंने दबो, वो किसी ने आख्या मौली साहब थोड़ा बच्चा अच्छा लम्मा पा के दब दो, बे ये कोई दीन है, वड्डे बंदे ने गलत किया तो परदा पा दो, सौ बड़े इतों फड़ो कि माड़ा मोटा कर रहा यार कोई है, तेन शर्म चाहिए रसूला का साहब है, और नबी अलैहिस्सलाम ने कभी रैत नहीं की, जानिया संसार किया, शराबियों कौड़े मारे, कुछ ना आख्या भी नहीं मेरे साहब है छुट्टी दो, और मैं ना मौलवी हजरात की मिन्नत कर चुका मैं तुम्हें कुरान लाओ साहब तो बहुत छोटे अल्लाह के नबी जेड़े खुदा ने चुने रब ने उन्होंने कोई रैत की है, जरा तुम मासूम बनाया कि कुरान च आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा को सुन के हुक्म तोड़ दिता, अल्लाह ने साफ किया कि तू जालम है,
और आप मने के मैं जालम। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। नूह अलैहि सलाम ने बेटे लिए दुआ की, अल्लाह कुरान क्या नहीं आया जो कि जाहली, मैं तेन हिदायत करना जाहलों से ना बन। उन्हें माफी मंगी कि अगर तू माफ ना करे रहम ना करे तो मेरा ठिकाना ही कोई। इब्राहिम अलैहि सलाम बाप की दुआ कर ली, अल्लाह ने कुरान क्या वे सारे काम नमूना, मगर जी बाप मुशरक की दुआ की कोई नमूना नहीं। ये गलत काम है, ये उन्हें जो कुछ किया मैं टोकता से उन्होंने मुशरक बाप की दुआ नहीं कर सके। इस तुम ये मसनूई मेयार जड़े ना कि फलां वड्डा बंदा का पर्दा रखो बनौटी है और सिर्फ इस तो बना बनाए को बच नहीं सकते चोर की दाड़ी चिनका। ऐ किस्सा भी करबला कई साबा भाई साबा का अगर कसूर कोई नहीं तो खाम खा उन्होंने फस देना तो हैगा तो उन्होंने माफी देने की लड़ कही। अगर उनका जुर्म बनता तो जुर्म बयान करो। अल्लाह के रसूल का फरजंद कतल हो गया तो दिफा करते फिरते तो लानत जी उन्होंने कर उस वेले फिर समय तो सही लमना जैद अला तरा अला हाजर जालम। हजरत सईद बिन ज़ैद ने आख्या इस जालम वाल वेखो पाशा दर किसान ना फिर जन्ना कि मैं रसूला को सुन के आना। अल्लाह के रसूल ने आख्या जन्नती है लोग उन्होंने फिर हजरत अली ने गिनया तो हूँ मैं अल्लाह का रसूल उन्होंने जन्नती आखे और ये मस्जिद बंद खड़ा करके वारी वारी उत्ते लानत करवाउंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह पनाह दे। और अगे जिहड़ा फिर हजरत हसन रज़ी की मौत पर इन्होंने नेकी की उन्होंने पढ़ के आदमी हैरान होंदा बे हजरत हसन तो तुहाडा मौसम उसने हुकूमत छड़ती सारे जी भरा भरा से तुम को बनाने भरा उसकी मौत पर की तबसरा किया। अबू दाऊ शरीफ लिखा वफद अल मकदाम नबादी कर अमर मुनासिब राजर में बनी असद मैंने हरे किन सनीला मुआविया बिन अबी सब्त। अरे बंदे हजरत मकदाम और वो कुछ होर साथी अमीर मुआविया को गए जो हुकूमत उन्होंने कोल पकारा मुआविया तो अल मकदाम आलम तान हसन अब नालियन तुफे तो अमीर मुआविया ने हजरत मकदाम साहबी ने आख्या तेन पता लगा भी हसन फौत हो गया। फरत जर मकदाम अपने दिलों से हथ रख के फिर फैसले करो भी हुसैन शहीद ना होंगे तो होर की होंगे किधरे हुजर कतल हो रहा किधरे ज्याद वर्गियां दिलों की गवाहियां लैके भरा बनाया जा रहा तो हजरत मकदाम ने इन्ना लीला किया फकार लो फुलान इतने ही फुलान लिख दिता कि फुलान ने आख्या भाई यार तू हसन के मरण मुसीबत समझना एक कोई अफसोस की गल है तू इन्ना लीला पढ़े उत्थे फिर थले अगला टुकड़ा फिर पढ़ने आया हदीस आलम चलो कोई नेक काम भी कभी कर देंगे। मौलाना अजीम आबादी रहमत फरमाते वकान अल हसन रजी अल्लाह वाले अल खिलाफत बादा कतले अबी अली इब्न अबी तालिब रजी 115 साल ये हसन अपने बाप अली इब्न अबी तालिब तो बाद खलीफा बने वकान मुस्तहिक अल खिलाफ और वाकई हजरत अली तो बाद ही उम्मत के सलायक सी खलीफा बन दे बाबा या अक्सर मिन अरबईन अल्फा 40,000 तो ज्यादा आदमी उन्होंने बैत की। सुम दरा मा दरा बैन हसन इब्न अली व बैना मुआविया रजनम फिर वो जिस तरह उधरों में लश्कर आ गया पहाड़ा जिडा उधरों वसारा लै मुआविया मेरा शाम वो शाम तो फौजा लाया वसारा हुआ इला मुआविया हजरत हसन भी लै गया। फिल्म तकार बारा हसन रजन फितना हजरत हसन ने वेख्या कि फितना वन अलमर अजीम फिराक थी दिमाग मुसलमाना का इन्ना खून बहु गवरा इख्तलाफ अहले राग वारेमल हसन रजी तकले बेहदरा देख लिया भी बेशुमार दुनिया मरनी फारसला अमर खिलाफ हुकूमत उन्होंने दी मदीन फजाहरा तिल मौजदा फी कौली सरसम उत्थे भी रसूला का मौजदा जाहिर होया। आपने फरमाया सी नबनी हाजा सैयद युसले हो भी बैना फिया तैन मुसलमीन कि इस मेरे बच्चे के पर अल्लाह तला मुसलमाना के दो ग्रहान सुलह करोगे वही ओ शराफ नाजम शराफ मन समा और सूरा सर सन सही आ तो इमाम अजीमाबादी हूँ लिख दे कि यार इस तो वड्डा मरतबा भी होना कि जिन्हों रसूला ने सईद आख्या दूसरे तो अभी सईदा ने भावे नसली हजूर ने खुद आख्या कि मेरा बेटा सरदार है पर मैं इस तो बड़ा शर्फ कोई नहीं कि रसूला ने नाम वकान फातुल हसन रजी मसून ऐसे भी हम परब कहना कर रहे नहीं वो अपने फौत हो गया सी पर मैं हसन रजी जहर ना हलाक किया गया सम तो ज्यादा तो ज्यादा बेशारा यजीद बिन मुआविया उधरों यजीद बिन मुआविया जरा उन्हें आख्या तू बीवी ज्यादा इन जहर दे बाद मैं हुक्मरान बनूंगा तेन बेशारा सना तत् रबाइन उत्थे फिर लिख दे कि जो बल मल फिलम सर बिस्मे दाबू बिन सरदार आंधे इतने भी ना ये अबू दाऊद ने फुलां कहता ना नहीं लिया वहादा दाबू फिर मिसलेदारी और यहोजे मौक़ से इदा ही करता यदि आदत तो अगे भी सुन लिया फलां फलां कह के पढ़ता
हूं की पर्दा पाना, 14 साल हो गए पर्दा पाद्य। कद अखराजा अहमद सी मुसनदी आंदे हजरत इमाम अहमद ने अपनी मुसद च साफ दसिया पकार आलो मुआविया आया रहा मुसीबत, कि मुआविया ही जिन्हें आख्या हसन से मरन तू मुसीबत समझना, एक अफसोस की गल। और उत्थे शुक्र है अबे सलाह दिन एक बंद ने आख्या वह राजब गुरु राजब मैं मुआविया, बहुत अफसोस है, हद दर्जे का अफसोस है मुआविया से, पैन ने मारा फकदरा हल बैत रसूल्ला के खानदान की उन्हें इज्जत ही ना पहचानी, हत्ता काला मा काला इन्ना लीला भी ना हजम होया। और इतने भी आख्या तू हसन की मौत इन्ना लीला पढ़ दम फैन ना मौत मिसल हसन मिल रही जद ना मैंने आद मिल मसाय। वो आते मुसीबत छोटी गल होंगी ना, हजरत हसन की मौत से मुसीबत चो भी बहुत बड़ी मुसीबत, इस तो वही हजूर के खानदान से की आनी। व जजल्ला और मिकदाम, अल्लाह तला मिकदाम साहबी न जजा दे वरा दे आना रुत तो खुश हो फैन मा सकता चलो मिल हक क्यों हक कह तो फिर चुप ना किया हक अगे आ रहा हद ताजा रहो उन्हें दे सामने जाहिर किया वहा कदा शान उल मोमिन अल कामिल मुखलिस। और इतना ही होना चाहिए जरा मोमिन है और अपना ईमान पक्का कि मौका हो हक कह दे। तो हक किस तरह होया जो इन्हें आख्या हसन का मरना मुसीबत है लहू वाले मला रहा मुसीबत, तो मिकदाम ने कहा हसन से मरन मैं मुसीबत ना समझा कि सदमा नहीं वक्त वादा और रसूला सरसन की हिजरी, हालांकि मैं वेख्या रसूला अपनी गोच बिठाया हों पकाल हादा मिनियर कहें मेरा व हुसैन उमर अली हुसैन जरा अली का मेरा मेरे से हुए राजे पकाल आसा दी जमर हला। वो एक दरबारी होर बोलिया खुशामदी उठ खड़े होंगे बादशाह के उन्होंने वध हामी तो उसे कागदा अंग्यारा से हसन जिन्होंने अल्लाह तारा ने बुझा दिता तौबा तौबा रसूला का बच्चा मर गया और अगदा अंग्यारा से बुझा दिता। काला फकाल मिकदाम अम्मा ना, तो हजरत मिकदाम ने आख्या हूं मेरी वारी आई है फला बनाओ लिया महत्ता गई रखा। उसमें आख्या माता कराओ मैं हूं मुआविया तो हटना कोई नहीं, इतों मैं हिलना ताजा जो तेन ऐसा गलां सुना लव जड़िया तेन बिल्कुल आग भगोला कर दें और जिन्होंने तू नापसंद करें। सुमा काला या मुआविया इन्हें ना सदक तो सदकनी, तो फिर क्या हूं जो मैं सच बोलूंगा तो कमी ठीक है वैना ना कदब तो कदब नहीं, और अगर मैं गलत कह तो मैंने झूठा कह दू। काला फल मुआविया ने कहा इस तरह ही करूंगा। काला फन सो तो काबिला उन्हें आख्या हूं मैं तेन अल्लाह की कसम देना हल समेत रसूल सलम यन्हा अल लुब्स ज़हर, तू सुनया नहीं कि हजूर ने सोना पहनने तो मर्दा नु मना किया। काला नाम आंदा हां काला फन सो तो काबिला तेन अल्लाह की कसम दे के मैं पूछना हल ताल मना रसूल नहा लुब्स हरीर, मर्दा नु रेशम पहनने तो हजूर ने रोकया। काला नाम हां काला फन सो तो काबिला हल ताल अन्ना रसूल सलम नहा अनलुप से जलू दे सबाव रुकू बनाया। यह भी नबी अला सलाम ने रोकया बे दरिंदा की खलां चीतियां शेरां दियां बिछा के उन्होंने बहना और उन्होंने लिबास पहनना। काला नाम ए तीन गल्लां पुछ के सोने का इस्तेमाल रेशम और दरिंदा की कर। काला फवल्ला लकदा तुहादा कुल्ला उफी बैत के या मुआविया, कह लगा रब की कसम ये सारे काम तेरे घर हुंदिया मैं वेखे, रेशम भी इस्तेमाल हो रहा सोना भी। पकारा मुआविया कदर इमतनी लानन जो मिनका या मिकदाम, यह होशियार हुक्मराना दी गल जे सियासतदान कह लगा मैं अगे ही पता सी मिकदाम मैं तेरे तो यार जान नहीं छुड़ा सकूंगा। काला खाल फामर आलो मुआविया मारम जम साहेब बहन दूजिया दो साथियों ने उन्हें ना दिता जिन्हें इन्हू आख्या बेन यार इन्ने पैसे दौ वफारा वाले बनी फिर मैं तैं आख्या तेरे बच्चे लिए मैं जरा 200 मार बार वो वजीफा करके फर रकल मिकदाम अला साहब मगर वह भी अल्लाह का बंदा नेक निकलिया उन्हें लिया कोई नहीं साथियों आख्या फड़ लो। काला वलम योत असदी आदम सैन मैम आखा सबा लगा तार एक मुआविया काला मल मिकदाम फरद करीम बस तो नहीं जो कह लगे यार मुआविया ने जो खबर मिली कि बड़ा सखी आदमी है तरीफा तरूफा करके जान फड़े यह सारा मसला जरा ये अंदर फिर लिखा कि काला सदी उल कौल शदीद सखी एडी गंदी बात जी दरबारी ने कही क्यों अगदा अंग्यारा से बुझ गया क्यों कही ए मुआविया की खुशी होंगी लिया मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु काना यखाफ़ुरा नफ़्सी मिन दवाल खिलाफ़ा अनु, क्योंकि हजरत मुआविया डर सी बे हकूमत मेरे हथों फिर जाती रहे व खरूज अल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और दोबारा हसन मेरे मुकाबले उठना खड़े व कदा खरूज अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरह ही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बारे जी किया मगर जो कुछ हक सी सामने आया। ए कुछ हदीस की किताबों जो तुहाडे सामने पढ़ दिता तारीख नहीं पढ़ी हदीसा पढ़ी इस तो सारे सबकन पढ़ते पढ़ाते मगर वही जरा मिट्टी पाओ वाली गल करते मिट्टी नहीं पैनी
ये जिन्ना मर्जी जतन कर लेना, जिन्हों अल्लाह सर बुलंद करे वह सर बुलंद होना। इन्हों साजिशां बड़िया हुई थे, बड़े चारे इन्होंने किए मिट गए, और आखिर से तुहाडे सामने एक रुबाई पढ़ जा, बाकी हिस्सा जो शरीयत ना शुरू किया ना, नमाज रोजे हज जकात तो भी तुहाडे सामने आऊगा। वो सही बुखारी मुस्लिम बचेरी सानू किसी तरीके हल दान दी, बिल्कुल जिवें सैयद अबू हसन का पढ़िया कि रसूलल्लाह का सारा उल्टन की कोशिश कर दी थी, उन्होंने सारे बर्बाद करो और एक नवा दीन जारी करो। रुबाई ये है निचोड़ दे सारे खुतबे का, आसान नहीं है मारिफत राज़े करबला, करबला की गल समझना कुछ सौखा नहीं, दिले हक शनास दीदा बेदार चाहिए, अकल टिकाने होवे दीन दी समझ वह समझ सकता। इन्नी थोड़ी जी तादाद बच्चों औरतों भी कोई जिहाद कर निकलता, आसान नहीं है मारिफत राज़े करबला, दिले हक शनास दीदा बेदार चाहिए, आती है करबला से ये आवाज आज भी, हां हक का एतराफ सरेदार चाहे। आदमी फांसी से खड़ा होवे और फिर भी हक का ऐलान करे, आती है करबला से ये आवाज आज भी, हां हक का एतराफ सरेदार चाहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सैयदना व नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही बारक वसल्लम। हवाला रह गया, है गया कि हवाला रह गया, वो जरा लानत कर दी, बिल्कुल जेड़े रह गए हवाले लिखवा लो, हवाले रह ना जान यार किन्ने तुहानू मुड़ के देने। चौथी जिलत दे उन महबूद की और बेटा 343 और 344 सफा, यह लिखो होर कि کتاب لباس والے کا نہیں لکھایا گیا۔ اللہ اکبر، ہاں اے لو نا بیٹا، وہ لکھ لو جڑا اگ دنگ یار اور سارے وہ لکھیا سی، ہاں اللہ بالکل 115-16 چوتھی جلد ہے اونر محبوب اشعار ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اپنے ایک دوست نے بھیجے، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدے سے ملے گی، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق فریتا میرے آموزہ حسین۔ بالکل رب دا نام نہ انو کہانی نہ سمجھا کرو، گر تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نارا، گاہے گاہے باز خواہی کی سائے پاری نارا، اور سات جلدیں لے کے نا دعوت عظیم دیئے تسی پڑھنی ہے، امام حسین تو شروع ہوئے اور سید احمد شہید تک انہاں لے آندا، کس طرح اللہ تعالیٰ اس امت نو بے وارث نہیں چھڈیا، جدوں ضرورت پئی ہے کوئی بندہ اٹھے، جس میدان چ پئی ہے شاعر دی لوڑ پئی ہے محدث دی پئی، اس کی وہ کتاب ایسی جنہوں پڑھ کے واقعی حضور دا معجزہ سامنے آؤں گا۔ آپ نے آخیا جی مرتے نبوت اللہ نے بند کر دیا، تو میرے لیے انہیں مجددین دا اور مسلحین دا سلسلہ قائم کر دیا، نبی نہیں چاہیے ہوں، امت اللہ دے بندے ایسے اٹھتے ہو گے۔ 14 صدیاں دا بیان کرتا امام حسین رضی اللہ شروع ہوں، تاریخ دعوت عظیم، ہر بندہ جڑا دین دا کام کرتا جی وہ کوئی جذبہ ہے ضرور انہوں پڑھے، جس نہ پھر ان شاء اللہ دل میں سکون ہو جاتا بھی اللہ پیچھے ہے گا۔ یہ امت بڑے بڑے وقت آئے اور لوگ آئے سمجھا ہونے نہ قصہ ختم، ختم نہیں ہوتا، قیامت تک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دا نام سر بلند رہنا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دی، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4-12 سارے نام بجے شروع ہوگا، مینو تنگ نہ کرو، اتوار تک میں اتھی ڈیرا لا لیا، میں مسجد اپنے سامان لیا، درس دے کے ان شاء اللہ جانا، مگر ضروری گل ہی پوچھا کرو، میں خام خواہ بے آرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نئے سال 2012 کی اسلامی ڈیری کاری کرلہ صاحب سے 90 روپے میں حاصل کریں، جو حضرات 5 یا اس سے زائد ڈیریاں خریدیں ان کو 80 روپے فی ڈیری مل جائے گی،
साल पर दी जाने। मां नाम इफत भी मेहरबानी करके जरूर खरीद दिल पड़े यहो जहाँ दीनी चीजा जड़ियाँ खरीद लिया करो नाले तावन हो जाता अल्लाह आदर देने वाला। मौलवी फकीरुल्लाह साहब ने आख्या इन्हां किताबां दा ऐलान कर दिओ हादसा करबला का पसपंदर अली हुसैन अलैहिम सलाम शहीद ए अहले बैत इमाम हुसैन वाकिया करबला बिस्मिल्लाह इन्हां दिनां च जिहड़े हज़रत अबू बकर दा शुरू कर लैंदे कोई हुण एक मौलवी साहब ने बयान किया मेरी मस्जिद हज़रत अबू बकर ते दरस देता हज़रत अबू बकर साढ़े सिर दे ताज है। मैं वेला कि वेला बंदा वेखे भी दिन किहदे आ तुहानूं हज़रत अबू बकर हुण याद आया उन्होंने उस जमाने याद कर लिया जो उन्होंने फात हुई है हजरत उमर और हजरत ए हम नवी गल शुरू कर ली है फारूक और हुसैन दोनों का जन्म मना रब गवाह जिथे लिखा ना मैं पहली तारीख में हजरत उस्मान उमर फौत हुए अगे ही लिखा भी झूठी गल जड़ी मर्जी किताब कर लो और पिछले जुलहज फौत हुए तीन दिन जख्मी रहा और फौत हुए दफन हो गया मगर पंगा रहना इन्हें मौलियों ने जरूर कोई ना कोई फसाद शुरू हो हजरत फारूक आजम का मुहर्रम ना कोई ताल्लुक नहीं उन्होंने शहादत जी बिल्कुल कट के किताबों में दिल हज दी है इमाम हुसैन गरीब का हिस्सा रहा गरीब तौबा तौबा मैं कहता जरा मुहब्बत ना वरना वह गरीब है जन्नत के जवानों के सरदार है। अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया ये दोवे जन्नत के जवानों के सरदार है बाबू हुमा खैर मैन तो बाप इन्हों का इन्होंने दोवों ने व्डा तो माँ इन्हों की जी जन्नत की औरतों की सरदार यहाँ तो सारा हदीस का दफ्तर लपेट के समुंदर बुद्ध करो इन तो जे इन्ह हदीसा मनते जे जिन्होंने हजूर ने दर्जे दिते उन्होंने बेदबी ना करो उन्होंने मुहब्बत करो अहब अल्लाह मन अहबा हसन हुसैन अल्लाह के रसूल कह गए अल्लाह उसके ही मुहब्बत करता जरा हसन और हुसैन ना मुहब्बत करता इन बंद आम बंदे ना मनो ये हजूर के टुकड़े इन्हों वैर और दुश्मनी ना अपने सीने च रखो वरना जिमें हजरत अली इस्लाम फरमाया सही मुस्लिम बखरा बाब है कि नबी उम्मी अल्लाह के रसूल ने मैंने आख्या अली तेरे ना मैं मैद करना जिस खुदा ने दाना उगाया तो रूह पैदा करें हजरत अली वो कसम खा के आते हजूर कह गया मैनू तेरे ना मुहब्बत ना करूगा सिवाए मोमिन दे और तेरे ना बुज़ ना रखूगा सिवाए मुनाफिक ईमान उसका जरा खराबी है वरना तेरे ना दुश्मनी करे जे भी ऐलान करके हजूर ने आख्या जरा मेरे ना मुहब्बत करता उत्ते लाजम ना कली ना मुहब्बत करे इस तो रब तौफीक देवे तो मेरा शेर सारी दुनिया सुना दो कि अल्लाह के रसूल बैन काना जम्बी हुबाल मुहम्मद अरबी का शेर कि जे तुम चाहते ना मौली साख का गुना कहले बैत ना मुहब्बत रखता बैन काना जम्बी हुबाल मुहम्मद सदार एक जम लस्तवाना तुम ते ओ गुना जिते मैं नहीं तौबा करनी मैनू मार दो कतल कर दो मगर रसूला की औलाद न मैं छद दिया उन्होंने मुहब्बत ना करा ये जे गुनाह ना तो नजदीक इस गुनाह तो तौबा नहीं होनी तुम उन्हों की मुहब्बत छुड़ा चाहते जिन्हों ने रसूल सलम सारी उम्र मुहब्बत करते रहे अल्लाह सल मुहम्मद ने नबी उम्मी वाजवाज उम्मातुल मोमिनीन वज़ुर्रियत वाहले बैत कमा सल इब्राहिम फिर आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम मंसुर इस्लाम वल मुस्लिम इत्थे दरम्यान मैं रोकया गया पाकिस्तान के बारे कोई कलमा बुरा ना सुनया करो कायद आजम के खिलाफ प्रोपगंडे बच्चे नवे एवं पुटकुने वली खां लिया जी फलाने सारे आप बेईमान सी गद्दार सी मुल्क दे तुसी क्यों नेक लोगों के नाल वैर मुरला लेंगे जिन्हां लोगों नूं तहरीके पाकिस्तान का पता रोसे जिनी कोश होई बाद इन्हां ने की लुच तड़े इन्हां दा अपना कसूर है पाकिस्तान एक ऐसा खिता जिहड़ा समझो जिवें मस्जिद खरीदी जी ने इदां है बाद लोग इहदे शराबखाना बनाउंदे कसूर इहदा पाकिस्तान का बुरा ना तय करो ना इहदे खिलाफ कोई सोचो इहदे लई खैर मंगो कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे ये हुक्मराना हिदायत दे उन्होंने बुरा की चकना साढ़े ही पाई है हिदायत दे और इस मुल्क की बेहतरी कर अगर उनकी किस्मत हिदायत नहीं तो अल्लाह उन्होंने सानू नजात दे और कोई अच्छे बंदे साढ़े हवाले कर दे अल्लाह मंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन वखज़ुल कफरत वल मुशरिकीन अल्लाहुम्म अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिन वल अमवात इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون